सब्सक्राइब कीजिए ब्रिस स्पेशल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिस स्पेशल में। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए साल 2021 का समय कैसा बीतने वाला है। इस वर्ष में आपकी तरक्की कब होगी, आपका ग्रह आपका साथ कब देगा, आपको नुकसान कब होगा, आपको फायदा कब होगा और भी बहुत कुछ। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखते रहें, लेकिन सबसे पहले आप वृष स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें, इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें और कमेंट करने के बाद इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आप वीडियो को हर जगह शेयर कर दें, फैला दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आपके कैरियर के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके प्रेम संबंध के बारे में, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से सुनते रहें, पूरे एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि आपका अगला वर्ष कैसा रहेगा ये सारी बातें हम जानेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। तो वृषभ राशि वालों, साल 2021 की शुरुआत का समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वर्ष के शुरुआत में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साल भर शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने से जहां नौकरी करने वालों को तरक्की होगी, वहीं जो लोग खुद का काम करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं, उन लोगों को समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं शॉर्टकट में, उसके बाद जानेंगे पूरे विस्तार से। 2021 के शुरुआत में आपका कार्य क्षेत्र जहां आप काम करते होंगे वहां का माहौल सामान्य रहेगा। जनवरी का शुरुआती 7 दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जनवरी के शुरुआत में आपके कामकाज में आपको दिक्कतें आने वाली है, आपको नुकसान होने वाला है, लेकिन अगर आप हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उस परेशानी का सामना करते हैं, परेशानी को देखकर आप नहीं भागते हो, तो उस परीक्षा में आप सफल होंगे और भगवान शनिदेव आपका साथ देंगे। आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को साल 2021 में सफलता काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। 2021 में अप्रैल से लेकर सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूरे वर्ष में ये 4-5 महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली और उत्तम रहने वाला है। इसी अवधि में आपका राजयोग है। आपके जीवन में 2021 की अवधि में जो महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिस बदलाव से आपको फायदा होगा, उस बदलाव का मुख्य समय अप्रैल से लेकर सितंबर का है। इसी अवधि में आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और आपकी तरक्की भी इसी अवधि में होगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो शॉर्टकट में पहले हम आपके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जनवरी के यानी कि 2021 के जनवरी का शुरुआती 2 सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद का समय आपके लिए आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। 2021 में अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम का रिजल्ट जनवरी के बाद आता है, शुरुआती 14 दिन के बाद आता है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, पूरे मन से, पूरे आस्था से, पूरे एकाग्रता से आप पढ़ाई करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वैसे 14 जनवरी के बाद अगर आप एग्ज़ाम भी देते हो तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। अगर आपके धन संपत्ति की ओर देखा जाए तो 2021 का समय पैसों के लिहाज से आपका बहुत मजबूत रहेगा। 2021 में भगवान शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं और आपको पैसों की कमी वह नहीं होने देंगे।
तो अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से 2021 का शुरुआती 2 महीना यानी कि जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। इन 2 महीनों में आपके घर का माहौल खराब रहेगा, आपके घर में तनाव काफ़ी ज़्यादा होगा, छोटी मोटी बात पर आपके घर के लोग आपस में भिड़ जाएंगे और परिवार की शांति खतरे में आ जाएगी, पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो जाएगा। लेकिन आप चिंता न करें, जून के बाद, कौन से महीने सुन ले आप फिर से, जून के बाद का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन 2021 में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में उनका स्वास्थ्य इस वर्ष में कुछ ज़्यादा ही खराब होगा, जिसके वजह से आपको परेशानी का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। जून के महीने के बाद मंगल का गोचर होने वाला है, जिसके बाद आपके घर परिवार का माहौल फिर से खराब होगा, आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, आपके परिवार में किसी और व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा और पारिवारिक शांति भंग हो जाएगी। इस बात को आपको याद रखना होगा। तो अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। वैवाहिक जातकों को इस वर्ष केतु व मंगल की दृष्टि के वजह से प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि आप चिंता न करें, गुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने का काम कर सकती है। तो अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। दोस्तों, प्रेम संबंध के लिहाज से 2021 का समय आपके लिए बेहतर नहीं रहने वाला है। इस वर्ष में आप में से बहुत से लोगों का गलतफहमी के वजह से उनके प्रेमी या उनके प्रेमिका के साथ ब्रेकअप हो जाएगा। आपका प्रेम संबंध इस वर्ष में विवादों में रहने वाला है। छोटी मोटी बात पर आप दोनों में, यानी कि आपके और आपके प्रेमिका में, झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन 2021 में सितंबर का महीना और मई का महीना, ये 2 महीना प्रेम संबंध के लिहाज से पूरे वर्ष में काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार है। इस अवधि में आप में से बहुत से लोगों की प्रेम विवाह होगी, लव मैरिज होने वाला है। परंतु लव मैरिज होने के बाद भी आप दोनों में झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, सेहत के लिहाज से भी यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि राहु केतु की अशुभ दृष्टि आपको नेत्र विकार, कमर, जंघा तथा पेट संबंधित समस्या होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का, अपने रहन सहन का आप पूरा ध्यान रखें। तो ये था शॉर्टकट में। अब जानते हैं पूरे विस्तार से आपके बारे में। सबसे पहला है आपका कैरियर। दोस्तों, कैरियर के लिहाज से 2021 का समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। 2021 में शनिदेव आपकी राशि के 9वें घर में रहने वाले हैं, जिसके चलते आपके कैरियर में आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी राशि में शनिदेव की शुभ स्थिति से आपको अपना कोई मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। आप में से जो भी लोग नौकरी करते हैं और नौकरी बदलना चाहते हैं, वो चिंता बिल्कुल भी ना करें। 2021 में आप नौकरी बदलें, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। जो भी लोग जॉब बदलने में डरते हो, वो डरना बंद कर दें। आप जॉब चेंज करें, आपका करियर उछाल मारेगा और आपका साथ देने वाला है। लेकिन आप में से जो भी लोग 2021 में पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ आप न करें।
क्योंकि पार्टनरशिप में काम करना वर्ष 2021 में आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो बहुत जल्द आपके पार्टनर के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा और कामकाज में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखें, और इस बात को याद रखने के बाद ही आप पार्टनरशिप में काम करें और 2021 में अपने कामकाज को आगे बढ़ाने में आप कोई भी शॉर्टकट न आजमाए, अपने काम में पूरे मेहनत से, पूरे आस्था से, पूरे लगन से लगे रहे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छे कार्य को करने के बाद ही आप पैसे कमाएं, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। 2021 में व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा समय है अप्रैल से लेकर सितंबर का महीना। आप कोई भी कार्य करें तो आप प्रयास ये करें कि वो कार्य अप्रैल से लेकर सितंबर के मध्य में हो जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, पैसों के लिहाज से आपका समय यानी कि साल 2021 सामान्य रहने वाला है। वर्ष के शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि के द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिसके वजह से अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा। आप फालतू खर्च बिल्कुल भी ना करें। 2021 में आपके सामने अचानक से कुछ बड़ा खर्च आ जाएगा जो आपका हालात खराब कर देगा, इसलिए अपने फालतू के खर्चों पे आप कंट्रोल रखें। आपका ग्रह कब आपका साथ नहीं देगा और पैसों की दिक्कत आपको कब हो जाएगी ये आपको पता नहीं है, इसलिए इस बात पे आप ध्यान दें। साल 2021 में आपका जीवन साथी या आपका प्रेमी आपसे खर्चों की अपेक्षा करने वाला है, और उनके पीछे खर्च करने के वजह से आपका आर्थिक हालात कमजोर हो जाएगा, इसलिए अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका, जीवन साथी जो भी हो, उन पर खर्च करने में आप कंजूसी करें, यह बेहतर रहेगा आपके लिए। वैसे चिंता वाली कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि साल के मध्य में 6 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के वजह से आपको राहत काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और इस अवधि में आपको पैसों की प्राप्ति काफ़ी ज़्यादा होगी। अप्रैल से लेकर सितंबर तक की अवधि में आपके पास पैसे रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद और उससे पहले आपको पैसों की दिक्कत झेलनी होगी। इसके साथ में भगवान शनिदेव आपकी राशि के 9वें घर में होंगे, जिसके वजह से 2021 में आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। 2021 में किसी अस्थायी संपत्ति का योग भी बन रहा है, जैसे कि जमीन जायदाद वगैरह में आप पैसे लगाएंगे और वहां से आपको फायदा अवश्य होगा। तो अब बात करते हैं पूरे विस्तार से आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में। विद्यार्थियों के लिए 2021 का समय सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष में पढ़ाई लिखाई में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका ग्रह भी आपका साथ नहीं देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ाई में ध्यान देना होगा। पहले के मुकाबले आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 2021 का शुरुआत आपके पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी जनवरी के बाद का समय आपके पढ़ाई लिखाई के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। उस अवधि में आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। 2021 में अगर आप एग्ज़ाम देते हो, रिजल्ट का वेट करते हो, तो आप चिंता न करें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, अपने परीक्षा से आप संतुष्ट रहने वाले हैं। वैसे मई के महीने से लेकर जुलाई तक का महीना आपके पढ़ाई लिखाई के लिहाज से बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगस्त से लेकर सितंबर का महीना भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और इस महीने में अगर आपका रिजल्ट आता है तो वह आपके पक्ष में रहेगा। आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो अब जानते हैं आपके 2021 के उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि साल 2021 में आप उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा अथवा ओपल धारण करें।
लेकिन धारण करने से पहले अपनी कुंडली किसी पंडित जी से आप दिखा लें, उसके बाद ही पहने वह बेहतर रहेगा आपके लिए। अब जानते हैं आपके दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय है कि आप छोटी कन्याओं के चरण को छूकर डेली प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त करें और शुक्रवार के दिन उन्हें मिश्री, बताशा या कोई मिठाई खिलाएं। इससे आपका समय शानदार होगा। और शनिवार के दिन आप चींटी को आटा डालें और किसी निर्जन स्थान में एक सूखे नारियल में आटा और चीनी को मिलाकर उसका कसार बनाकर गोले में भरकर दबा दें। इस उपाय को फॉलो करने से आपका समय शानदार हो जाएगा। और डेली गौ माता की सेवा करें। आपके घर में जो स्त्री हो, जो महिला हो, उनका सम्मान करें, उनके साथ अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं। तो वृषभ राशि वालों, यही था आपके 2021 का संपूर्ण फलादेश। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, वृष स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें, इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें और वीडियो के नीचे जय शनिदेव अवश्य लिख दें। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।